आप सबको मेरा प्रणाम। आज थायराइड पर बात करेंगे। थायराइड को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, बहुत सरल आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करना है। उज्जायी प्राणायाम, गले को संकुचित करते हुए श्वास को अंदर भरना, इस प्रकार से एक आवाज आती है गले से जब आप श्वास को अंदर भरते हैं गले को संकुचित करते हुए। तो जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचो, फिर बंद लगाओ, जालंधर बंद और मूल बंद। जालंधर बंद कैसे लगाएंगे, चिन्ह को कंठ से यहां टच करेंगे, ऐसे अधिक आगे ऐसे नहीं झुकाएंगे। दूसरा बंद मूल बंद, अपने एनस भाग को ऊपर की ओर संकुचित करना। मूल बंद इसको कहते हैं, मूल इंद्रियों को, अपने जो एनस भाग है, मूत इंद्रियां हैं, उनको ऊपर की ओर खींचना। तो बंद लगा कर रखेंगे और फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ दें धीरे धीरे, इस प्रकार से बाहर छोड़ देना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, दोनों नोस्ट्रल से श्वास को अंदर भरना है, गले को संकुचित करते हुए श्वास को अंदर रोकना है, जालंधर बंद और मूल बंद लगाना है। ये दो बंद लगा कर रखें यथाशक्ति अपने अपने बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार, और जब श्वास को आप बाहर छोड़ने की चेष्टा करेंगे तो आपको बंद हटाते हुए, जालंधर बंद हटाएं, मूल बंद हटाएं और राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से बाहर छोड़ दे रहा। तो इस अभ्यास को आप 11 बार से प्रारंभ करके 20-21 बार तक करना। बहुत सारे लोगों के थायराइड मात्र इसी अभ्यास से ठीक हो जाते हैं, साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधि भी इसमें हम देते हैं। 3 महीने का कोर्स होता है, थायराइड को ठीक किया जा सकता है यदि आप इन अभ्यासों को करेंगे। और कुछ खान पान का ध्यान रखें, खट्टी चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं। खट्टी चीज़ों में जैसे आम, अमचूर, जो खट्टे फल हैं, नींबू है, इमली है, ऐसी चीज़ें ना खाएं। ठंडी चीज़ें ना खाएं आप, चावल का प्रयोग ना करें ज़्यादा, और भिंडी है, अरबी है, इनका प्रयोग कम से कम, जो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत सुपाच्य आहार हो ऐसा आहार लें कुछ महीनों के लिए, तो आप देखेंगे आपका थायराइड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरा, ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण कैसे करना है, पूरा वाइब्रेशन करनी है गले के भाग में, श्वास को ऐसे भरना है और मुंह से ओ बोलना है। ओ बोलेंगे तो पूरा म की ध्वनि भी पीछे पीछे उसके आने लगती है। तो नाक से श्वास लेके मुंह से श्वास को छोड़ना है ओम की ध्वनि के साथ, इस प्रकार से एक बार देख लीजिए इसके भी। इस प्रकार से गले पर पूरा फोकस करते हुए और वाइब्रेशन महसूस करो ना। अगर आपसे इसमें से कोई भी अभ्यास ना हो तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ध्यान से देखो क्या करना है आपको, केवल गले को संकुचित करना है और इस प्रकार से। ये बहुत सरल है, लेकिन अभ्यासों को यदि आप ठीक से करना सीख जाते हैं तो ठीक करो, उससे ज़्यादा लाभ होगा। तो आप सभी योग से जुड़ें और आने वाली 21 जून को अपने परिवार के साथ योगा करें और अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, एक सुंदर स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना सहयोग दें। ऑनलाइन योगा सेशंस 21 जून को होने वाला है, आप उस सेशन में भाग लें। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हैं। आप सभी के लिए बहुत शुभकामना। आप सभी को ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।